नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जितने भी भारतीय प्रवासी हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया कौन कौन से राज्यों में ट्रेन सेवा चलने वाली है, क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। सरकार की पहल शुरू हो चुकी है और इसको लेकर राजस्थान सरकार ने पहली ट्रेन है वो शुरू कर दी। साथ में बड़ी खबर आ चुकी है, यहाँ पर ग्रीन, येलो और रेड जोन में सभी राज्यों और जिलों को बांट दिया गया। उनको देखते हुए 4 मई से शराब और गुटके और पान मसाला की भी दुकानें खुलने वाली है। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले। साथ में आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में दिखाने वाले कि कौन कौन सी दुकानें खुलने वाले और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से जिले हैं जिनको पूर्णतः सरकार की तरफ से खोल दिया जाएगा, मतलब पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लग जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ी खबरें आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब के साथ और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो यहां पर सबसे बड़ी खबर, पहले मध्य प्रदेश के इन जिलों में 4 मई से खुलेगी शराब गुटखा और पान मसाले की दुकानें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्ते तक बढ़ाकर उसे 17 मई तक के लिए लागू कर दिया। इसी के साथ अलग अलग जोन में वहां के हालातों के मुताबिक छूट और पाबंदी भी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 4 मई से ग्रीन जोन के जिलों में शराब गुटखा और पान मसाले की दुकानें खोलने की छूट मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में 24 जिले शामिल है। प्रदेश सरकार ने नए हालात पर नए सिरे से विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मुताबिक ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसके बाद 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की जिसके मुताबिक 4 मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों को लेकर अलग अलग सेवाओं को व्यवस्था दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रदेश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन पर भी चर्चा होगी। इधर ग्रीन जोन में छूट, क्या क्या छूट मिलने वाली ग्रीन जोन में दोस्तों, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई गृह मंत्रालय के द्वारा। गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब गुटखा और पान की दुकानें खुलेगी और मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में 24 जिलों को रखा गया, जबकि रेड जोन में 9 जिलों को और ऑरेंज जोन में 19 जिलों को रखा गया। इन सभी जोन को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अलग अलग सेवाओं के लिए छूट दी गई। वही गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच, झाबुआ, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, सीहोर, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, सतना और पन्ना, कटनी, मंडला, इन जिलों में यहाँ पर रेड जोन में पाबंद रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य में रेड जोन में आने वाले 9 जिले हैं और यहाँ पर 19 जिलों को येलो जोन में रखा गया है। इसी के साथ रेल सेवा को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। गहलोत की केंद्र सरकार से अपील, मजदूरों की वापसी के लिए रेल सेवा की मिल चुकी है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लोगों को घर भेजने की अनुमति दे दी। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों की वापसी तभी संभव हो पाएगी जब रेल सेवा की इजाजत दी जाए। गहलोत ने कहा कि प्रवासी कामगार मजदूरों को आखिरकार अपने राज्य वापस लौटने का आदेश मिल गया। केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार रेल सेवा की इजाजत दे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान को अलग अलग राज्यों से 6 लाख मजदूरों का आवेदन मिला है। वही मजदूर तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम एवं अन्य जगहों पर यहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मेरी यही सलाह होगी कि रेल के जरिए इन सभी को उनके घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया जाए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए। हालांकि मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू की जिनका पालन किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर।